नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में, जहां पर आज अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल का 5वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो संगठन के सदस्य हैं वो एकजुट होकर यहाँ पर आज उपस्थित हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में कई उद्यमियों और कई व्यवसायियों को यहाँ पर संगठन की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो चलिए संगठन के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से संगठन आने वाले दिनों में कार्य करेगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग यहाँ पर आज संगठन से ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस तरह से 15 दिन भी नहीं हुए हैं संगठन को यहाँ पर स्थापित हुए, लेकिन जिस तरह से कारवा बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए। धन्यवाद। पहले तो आपका चैनल हमारे बीच में, आप को बताना चाहूँगा, समय जरूर 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन अनुभव हमारा कई सालों का है। ये जो इतना सारे जो विश्वास कर रहे हैं संगठन में, व्यापारी भाई बहनें, ये पहला संगठन है, खुल के माताएं बहनें पहले दिन से आप देख रहे हैं संगठन के साथ जुड़ रही हैं, तो ये हमारा अनुभव है, उनका विश्वास है। तो जब विश्वास किसी का किसी पर हो जाता है तो फिर कारवां अपने आप बढ़ता चला जाता है। शुरुआत हमेशा 1-0 से ही होती है, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग मेरे से द्वारा हुई। तो मुझे खुशी है कि आप सभी मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, यहाँ के व्यापारी भाई बहन, और मैं उनके विश्वास पर खुरा उतरने की कोशिश करूँगा। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल को 5 साल हो गए हैं, अगर मैं 5 साल की जर्नी की पूरी बात करूं और अब आगे के प्लान्स की बात करूं तो वो क्या रहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव जायसवाल जी ने ये संगठन 5 साल पहले बनाया था, और ये संगठन पहला सा संगठन है इतने कम टाइम में 22 से अधिक राज्यों में कार्य कर रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, सिर्फ घोषणाएं नहीं है। और 15 अगस्त को जो एक शाम व्यापारियों के नाम होने जा रही है, उस दिन यहाँ मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ सम्मिलित होंगे और अपने बारे में और अपने संगठन के बारे में विस्तार से भी बताएंगे हल्द्वानी वासियों को। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से, मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने संगठन के माध्यम से व्यापारियों की दुख तकलीफ को लेकर जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा जरूर, और मैं व्यापारी भाइयों से बोला भी है, 3 महीने का आप अभी हमें समय दीजिए, 3 महीने बाद आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, जो एक संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन से जो उनकी आशाएं वो निश्चित ही पूरी होने की कोशिश करेंगे हम। आज इस कार्यक्रम में कई उद्यमियों और व्यवसायियों को अपने साथ आप लोगों ने जोड़ा है, किस तरह से जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और किस तरह से कार्य का निर्वहन किया जाएगा? देखिए, जब कोई बड़ा वृक्ष की छाया मिलती है किसी को भी, तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज जो विश्वास हमारे ऊपर जाने माने जो लॉयर हैं हल्द्वानी के सीनियर, कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, बिंदेश गुप्ता जी, विजय पाल जी जाने माने इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिल्डर हैं, बहुत सारे संगठनों को अपने सामाजिक संगठनों को भी अपनी हेल्प देते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, भाई आशीष सेठी जी, ऐसे बहुत सारे नाम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे संगठन के ऊपर विश्वास करा, मैं उनके 100% गारंटी देता हूँ, उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, जितना हमसे हो सकता है, हमारे संगठन से हो सकता है, उन पर विश्वास पर, और उनसे भी आशा करता हूँ कि वो हमारे संगठन को जहां पर जरूरत पड़े उनके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हों। हमारे अपनी स्पीच में आपने उत्पीड़न, व्यापारियों के उत्पीड़न की बात यहां पे की थी, और लगातार जिस तरह से व्यापारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे और आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, व्यापारी की हर समस्या, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर व्यापारी किसी अपनी पर्सनल गृहस्थी की जो समस्या होती है, अगर उससे भी पीड़ित है, वहाँ पर भी अगर हमारा संगठन कोशिश करेगा उसको समस्या से बाहर निकलने की, और बाकी आने वाले समय में हमने 15 अगस्त को बोला है, व्यापारी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसको बैंक लोन नहीं देता या वो समाज में काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसको हम अपने उसकी आर्थिक सहायता की कोशिश करेंगे, उस संगठन के माध्यम से उसकी हेल्प की जाए। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका नाम? बिंदेश गुप्ता, एडवोकेट है। तो जिस तरह से आज आपने अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल को ज्वाइन किया है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यापार जो है इस समय, ये बात तो ठीक है कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसमें गुजर रहा है, बहुत सारी समस्या भी है, और व्यापारियों को कोई एक अच्छा मंच ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे उनकी बात ठीक स्थान पर पहुँचे। अगर अखिल एकता व्यापारी उद्योग व्यापारी संगठन इस लक्ष्य को लेकर आगे चला है, व्यापारियों के हितों में काम करने की बात है, तो निश्चित रूप से सबको इसे जोड़ना चाहिए। जिस तरह से आपने अपनी स्पीच में बात करी ऑनलाइन बिजनेस की, इससे व्यापारी संगठन डील कैसे करेगा? देखिए, एक बात सुनो, ऑनलाइन व्यापार ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, दो कारण से। एक तो आप भी जानती हैं ऑनलाइन व्यापार में कितनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, आप किस चीज़ का ऑर्डर कर रहे हैं और क्या चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ है
कि आप ऑनलाइन व्यापार में आज भी जो व्यापार उसको कोई ख़त्म इसलिए नहीं कर सकता जो मार्केट है, कि आप अपनी चॉइस का नहीं, आप केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, भेजने वाला जो भेजेगा आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ बाज़ार में जब आप जाते हैं तो हज़ार चीज़ों में से देख करके अपनी पसंद की चीज़ तो जो ये चॉइस है जो पसंद है ये ऑनलाइन से नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि आज बाज़ार के अंदर एक इदारा ने कि सारा जो व्यापारी जो है वो अपने ग्राहक को अपने से जोड़े रखने के लिए अगर कभी भूल से भी कोई गलत चीज़ चली गई, यहाँ तक कि खुला हुआ आटा भी वापस लेकर के बदल करके दे देते हैं, ये सुविधा जो है ये व्यापारियों को मदद देगी। ऑनलाइन व्यापार जो है ये बात माने क्योंकि उनके पास खर्चे कम होते हैं, उनका पास कोई एक्सपोजर के लिए उनको ना दुकान चाहिए ना बिल्डिंग चाहिए, उनका कुछ स्टाफ होता है और उनके बल्क प्रोड्यूसर होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो माल लेकर के भेजते हैं वही अब ग्राहकों को शिकायत मिलने लगी है, उससे लोग नाराज़ होने लगे, तो ये ठीक होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल एकता व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयपाल जी। सर, जिस तरह से नई जिम्मेदारियां आपको आज यहां पे दी गई हैं, संगठन के साथ आप जुड़े हैं, आगे किस तरह जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा? आज मुझे सबसे पहले तो मैं आज जो हमारा नया संगठन बना है उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को और व्यापारियों को बधाई देता हूँ कि वो सब एक मंच पर आए, और संगठन ने मुझे जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छे से निर्वाह कर सकूँ। जहाँ भी व्यापारियों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, बड़े दुकानदारों के साथ जहाँ भी गलत होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और उनकी आवाज़ हम शासन प्रशासन तक बड़ी मजबूती से संगठन के थ्रू उठाएंगे, और किसी का भी अगर हक के लिए लड़ना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, हर समय पूरी कोशिश करूँगा कि संगठन को अपना 100% दे सकूँ। सर, जिस तरह से सोसाइटी में कई व्यापार मंडल हैं, आपका व्यापार मंडल किस तरह से अलग हुआ? हाँ, ये बात तो आपने सही कही कि बहुत सारे व्यापार मंडल हैं और कोई ना कोई व्यापार मंडल बनता रहता है, तो हमारा व्यापार मंडल इस तरह से अलग है कि देखिए अभी तो शुरुआत है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे व्यापार मंडल जो हैं वो अब व्यापारी के हित की बात कम करके अपना राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं, उसको एक राजनीतिक मंच बना रखा है, सब अपने अपने लिए काम करते हैं, चार छः लोगों का संगठन हो गया। आज आपने देखा कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी आए थे तो उससे आपको खुद ही लगा होगा कि ये व्यापारियों का हकीकत में ये एक व्यापारियों का एक मंच है, और हम बिल्कुल इसको उसी तरह से चलाएंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ व्यापारियों के हित की बात होगी। ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ गया है आजकल, लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, तो किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस के साथ डील की जाएगी? ऑनलाइन बिजनेस लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो कुछ लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ व्यापारियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि कुछ ऐसी सुविधाएं भी दें उनको, चाहे उनको होम डिलीवरी की सुविधाएं दें, घर तक कुछ पहुंचाने की सुविधाएं दें, और स्कैन करके स्कैनर के थ्रू नंबर एक में जितना ज़्यादा कोशिश हो सके लें, तो इससे भी हमारा व्यापारियों को फ़ायदा होगा और ऑनलाइन को थोड़ा सा कम करके प्रैक्टिकली फिजिकली आगे बढ़ेंगे लोग। तो मैं इस व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो इस व्यापार मंडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शहर में और भी कई सारे व्यापार मंडल हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि सब लोग अपनी अपनी राजनीति, व्यापार मंडल कम वो राजनीतिक मंच ज़्यादा बन गए, और जब तक आप व्यापारियों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी व्यापार मंडल सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे और मजबूती से उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक उठाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा डिंपल पांडे। सर, जिस तरह से आज व्यापारी संगठन अपना 5वां स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहा है, अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में उपलब्धियाँ कई आपने हासिल करी हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, 5 साल से हमारा संगठन काम कर रहा है, अन्य प्रदेशों में कर रहा था, उत्तराखंड में अभी 15-20 दिन हुए हैं मुश्किल से, तब आया है, और बहुत तेज़ी से आपने शहर में देखे होंगे कि हम लोग की संगठन किस तरह से नगर इकाई कार्य कर रही है, धीरे धीरे हमारा संगठन बढ़ रहा है। आज हमारे कई, मैं हल्द्वानी शहर नहीं कहूँगा, प्रदेश के कई उद्यमियों ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने और भी तमाम शहर के जानी मानी हस्तियों ने हमारी संस्था को अपना सहयोग दिया, उनको ज्वाइनिंग करी है, प्रसन्नता के साथ ज्वाइन करा, जिससे उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंदेश कुमार गुप्ता जी, वरिष्ठ उद्योगपति जो प्रमुख उद्योगपतियों में आते हैं उत्तराखंड के, श्री विजयपाल जी, विनोद सरडाना जी और आशीष सेठी जी, तमाम लोगों ने ज्वाइन करा है, मैं उन सबको सहर्ष बधाई देता हूं और उन सबका स्वागत करता हूं। अब बहुत जल्दी आपको शहर में दिखने को मिलेगा कि संगठन हमारा किस तरह से कार्य कर रहा है। सर, आगे के क्या प्लान्स रहने वाले हैं संगठन के? आगे की सबसे पहले तो प्लान्स हमारे GST पे है कि हमारी वो GST पे जो हमें लोगों को रिवेट मिले, दी है सरकार ने, लेकिन उतनी नहीं दी जितनी चाहिए व्यापारी। व्यापारी का हाल सबसे छिपा नहीं है, व्यापारियों का बहुत बुरा हाल है, अपने रोजी रोटी के लिए तक परेशान है,
लेकिन अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जिस तरह से ऑनलाइन घर घर पहुंचकर अपने प्रोडक्ट्स को दे रहा है, उसी तरह से हमारा लोकल का व्यापारी भी वो कार्यशैली अपनाए, तब जाकर हम उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन कर पाएंगे। एक अच्छा सुझाव उनका दिया गया। महिला शक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से अकेले एकता व्यापार मंडल ने नया कदम इस ओर रखा है, किस तरह से देखती है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम काजल खत्री है। जिस तरह से अखिल एकता व्यापार मंडल ने आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, आप खुद यहाँ पे शिरकत करने पहुँची हुई है, सबसे पहले संगठन के बारे में क्या कहें? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं पांचवें स्थापना दिवस के लिए बैठे हैं अखिल उद्योग व्यापार मंडल के, और हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी व्यापार मंडल यहाँ पे चल रहे हैं उससे एक व्यापार मंडल जो अभी हमारा उभरा है, नया बना है, और यहाँ पे हमारी मातृशक्ति भी काफ़ी जुड़ी है इससे, तो हम लोग चाहते हैं ये व्यापार मंडल ये कुछ अलग काम करके दिखाए। व्यापारियों के हित के लिए तो हम कर ही रहे हैं काम, वैसे भी और लोग भी करते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सामाजिक संगठन एक व्यापार मंडल है तो हम इसके लिए व्यापार मतलब सामाजिक के लिए भी काम करें हम लोग। तो हम यहाँ पे महिलाएं जितने भी हैं हमारी अलग अलग नगर से भी हैं, जिला से भी हैं, प्रदेश से भी सारी महिलाएं, और सबको अलग अलग पद दिए गए हैं, तो मैं ये सारी जितनी भी महिलाएं सब टीम बना के और व्यापार मंडल की जो भी एक बड़ी टीम बनी है यहाँ पर उसके साथ काम करेंगे और व्यापारियों के हित के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करेंगे। मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम मेघा जोशी है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से आज पांचवा स्थापना दिवस नगर उद्योग व्यापार मंडल का यहाँ पे मनाया जा रहा है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं? मैम, अभी तो हम इसमें नए जुड़े हैं, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं हमें उम्मीद है कि हम एक मिसाल कायम करेंगे जिस ऊर्जा आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, और साथ में महिलाओं को भी लिया जा रहा है, और जहाँ मातृशक्ति कदम से कदम मिलाकर चलती है वो व्यापार मंडल हमेशा ही ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। महिलाओं को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से आगे निर्वहन किया जाएगा और जिस तरह से व्यापारी अपनी मांग को लेकर लगातार कार्य करते हैं, इस और क्या कार्रवाई? जिस तरह से मैं भी कामकाजी हूँ, मैं हेल्थ सेंटर चलाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी समस्याएं आती हैं। हालांकि महिलाएं जब घर और बाहर का काम एक साथ करती हैं तो वो सक्षम होती हैं, लेकिन बिना संगठन के उनकी सक्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने व्यापारी भाई हम सब लोग मिलकर काम करें, और अगर महिलाएं इसमें दूरदर्शिता लेती हैं क्योंकि वो घर का मैनेजमेंट करती हैं, उसी तरह से व्यापार में मैनेजमेंट करेंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें एक नई मिसाल ज़रूर कायम करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम योगिता बनोला, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह आज आप संगठन के साथ जुड़ी हैं जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा व्यापारियों के हित के लिए? देखिए मैम, मेरी अभी नई नई जो ज्वाइनिंग हुई है, पहले तो मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के सभी व्यापार भाइयों को अपने 5वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और भाइयों की सोच को सलाम करती हूँ कि वो जो हमारी महिला टीम है, जो महिला नारी शक्ति है, उनको अपने साथ लेके चल रही हैं। पहले कई व्यापार मंडलों में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को भीड़ का हिस्सा बनाया गया है, तो ये एक ऐसा व्यापार मंडल मैंने देखा है जिसमें मैं विशाल भाई जी का सच में उन्हें उनकी सोच, उन्होंने जो ये नई पहल की है उनके लिए उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, और उनकी सोच को भी सच में बढ़ावा देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को भीड़ का हिस्सा ना बना के एक एक चाहे वो नगर में है कहीं चाहे वो जिला में है इस तरीके से पद दिए, और हम लोगों का भी अब कर्तव्य बनता है कि जब हमें पुरुष प्रधान समाज हमें चाहता है कि नारी शक्ति हमसे आगे आकर काम करे, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, और अभी मेरा नया नया जिला नैनीताल महिला मोर्चा में जो जिम्मेदारी मिली है तो उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बखूबी निभा सकूं और आगे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अखिल उद्योग एकता व्यापार मंडल की ओर से आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम उद्यमियों और व्यवसायियों ने यहाँ पर आज इनकी सदस्यता ग्रहण की, साथ ही सदस्यों ने हमें बताया कि किस तरह से आने वाले समय में उनके कार्य होने वाले हैं, साथ ही जिन लोगों को यहाँ पर आज ज्वाइन किया गया है उनका कहना है कि वो अपने स्तर पर सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने का पूरा कार्य करेंगे। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।